ये है तुम्हारा गेयर बॉक्स, ठीक है। गेयर बॉक्स में ये जो रॉड होती है इसको बोलते हैं इनपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट की पहचान, आगे से लंबी होगी और इस तरीके के टीथ होंगे, दिख रहे हैं ये वाले टीथ दिख रहे हैं। ये नोब हो या ना हो, लेकिन ये टीथ होंगे, जिसमें ये टीथ है वो इनपुट शाफ्ट, ठीक है। और इसके साथ जो शाफ्ट लगेगी ऐसी, ये छोटी वाली जो है, ये है तुम्हारी आउटपुट शाफ्ट, ठीक है। ये गियर हमेशा ऐसे लगेगी, देख रहे। तो इसमें हमेशा याद रखना, इनपुट शाफ्ट में ये वाला जो गियर आएगा सबसे पहला स्टार्टिंग के बाद, ये होता है फर्स्ट गियर इनपुट शाफ्ट में, सबसे छोटा है, ठीक है। लेकिन आउटपुट शाफ्ट में अगर देखो तो सबसे बड़ा गियर फर्स्ट है, ठीक है। आउटपुट शाफ्ट में ये वाला जो गियर है, जो सबसे पीछे है, ये वाला गियर लगता है डिफरेंशियल पे, जिसकी पावर आती है, जो पावर यहाँ से ट्रांसफ़र होगी इसमें आएगी और इसमें से डिफरेंशियल में जाएगी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट गियर जो है आउटपुट शाफ्ट में बड़ा है, इनपुट में छोटा है। ऐसे ही शाफ्ट के अंदर क्या होता जाएगा, जैसे जैसे तुम गियर चेंज करते जाओगे, इनपुट शाफ्ट के गियर बड़े होते जाएंगे, आउटपुट के छोटे होते जाएंगे, जिसके रेशो जो है वो बदलता जाएगा और उसकी वजह से गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर तुम इसमें नोटिस करो तो सारे गियर एक जैसे, सारे के सारे कर्व है, लेकिन एक गियर है जो स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। ये जो गियर है वो रिवर्स गियर, ठीक है। कौन सा गियर है? रिवर्स। और रिवर्स गियर हमेशा फर्स्ट गियर के बाद आएगा, हर गाड़ी में, हर गियर बॉक्स में रिवर्स गियर फर्स्ट गियर के बाद आएगा। उसके बाद लगेगा सेकंड, जो इनपुट शॉट में थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आउटपुट में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा फर्स्ट के मुकाबले, ठीक है। उसके बाद थर्ड गियर आएगा, थर्ड गियर जो है वो इनपुट शाफ्ट में और बड़ा हो गया, आउटपुट में और छोटा हो गया, ऐसे होते जाएगा। इनपुट के बड़े होते जाएंगे, आउटपुट के छोटे होते जाएंगे, और लास्ट में फिफ्थ गियर आएगा, जो फिफ्थ गियर इनपुट में बड़ा हो जाएगा और आउटपुट में छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सबसे छोटा गियर। तो छोटा गियर होगा तो अब ये जिस स्पीड में घूमेगा ये उससे ज़्यादा घूमेगा और उससे ज़्यादा पावर डिफरेंशियल में आएगी और गाड़ी की स्पीड उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। इसीलिए गाड़ी की जब तुम गियर चेंज करते हो रेशो बदलता रहता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ती रहती है। दूसरी चीज़, इनपुट शाफ्ट में फर्स्ट, रिवर्स और सेकंड गियर फिक्स हो, ये फिक्स है, ठीक है। इनपुट शाफ्ट में जो गियर चेंज होंगे, जो फर्स्ट और सेकंड गियर चेंज होता है वो आउटपुट शाफ्ट में होता है। इसमें ये है शिफ्टर, गियर लॉक हो गया सेकंड, जैसे ही तुमने फर्स्ट लगाओगे, एक्चुअल में न्यूट्रल पोजीशन ये होती है जिसमें सारे गियर जो है वो फ्री है। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ फ्री है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फ्री है, ठीक है। रॉड नहीं घूम रही लेकिन गियर घूम रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लगाओगे जब तो ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने पे क्या हुआ, अब सारी पावर फर्स्ट गियर पर आ रही है, बाकी सब क्या है, फ्री है, ठीक है। यहाँ सेकंड फ्री है, यहाँ थर्ड फ्री है और यहाँ पर फोर्थ फ्री है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्या हो गया, लॉक हो गया, तो अब पावर कौन से गियर में आएगी, फर्स्ट में। रिवर्स गियर चेंज करा, सेकंड लगाया, सेकंड लगाने पर क्या होगा, अब फर्स्ट जो हो गया वो फिर से फ्री हो गया और सेकंड लॉक हो गया, तो अब पावर किस में आई, सेकंड में। ये ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड गियर जो चेंज होगा वो इन आउटपुट शाफ्ट में होगा और इनपुट में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ होगा, ठीक है। जैसे ये होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगी वापस, तुमने गियर शिफ्ट करा, अब ये थर्ड लग गया, थर्ड लगने पर वापस से ये सारे फ्री हो चुके हैं, फोर्थ भी फ्री है लेकिन थर्ड जो है वो लॉक हो गया और फिर फोर्थ, ठीक है। ज़्यादातर गाड़ियों में लास्ट गियर जो होगा वो हमेशा गियर बॉक्स के बाहर होगा, हमेशा,
ठीक है, ज़्यादातर गाड़ियों में। इसके ऊपर कवर आएगा, ये पूरा गियरबॉक्स पैक होने के बाद पांचवा गियर फिट होगा। जब ये पूरा गियरबॉक्स पैक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ये दोनों शाफ्ट बाहर आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये दोनों शाफ्ट बाहर आ जाएगी, तब इसमें ये पांचवा गियर फिट होगा। क्लियर है? ठीक है। दूसरी चीज, इसके रेशो में जब ये दोनों आगे बढ़ेंगे तब ये उसी स्पीड में बढ़ेगा, ठीक है। इसकी स्पीड और टायर की स्पीड सेम होती है, अलग नहीं होगी, क्योंकि ये एक तरीके का जॉइंटर है। आउटपुट शाफ्ट से पावर इसमें आ रही है, ये उस हिसाब से घूम रहा है, लेकिन इसके अंदर एक्सल लगेंगे। एक्सल जो होगा वो डिफरेंशियल में कनेक्ट होगा, और एक्सल क्या है, एक रॉड है, वही सीधी रॉड कहाँ जाएगी, टायर में, टायर में जाएगी। तो जितनी स्पीड में ये घूमेगा उतनी स्पीड में रॉड घूमेगी, और जितनी स्पीड में रॉड घूमेगी उतनी ही स्पीड में टायर घूमेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो ये ध्यान रखना, इसकी स्पीड और टायर की स्पीड सेम होगी, लेकिन डिफरेंशियल की स्पीड और आउटपुट शाफ्ट की स्पीड सेम नहीं होगी जब ये इसमें कनेक्ट होगा। तो ये जिस स्पीड में घूम रहा है उससे कम स्पीड में ये चलेगा। ठीक है, ये देख लो, ये ज़्यादा स्पीड में चल रहा है लेकिन डिफरेंशियल जो है वो कम चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसमें होगा, जब ये ज़्यादा स्पीड में चलेगी तो ये कम स्पीड में घूमेगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, इसके अंदर एक गियर और होगा वहाँ पर, एक ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट गियर होगा वहाँ पर एक रॉड के साथ। देखो, अब अगर इसमें देखो तो जब हम गाड़ी ड्राइव करते, इंजन जो चल रहा है वो क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो इनपुट शाफ्ट भी क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है, लेकिन आउटपुट शाफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। एंटी क्लॉकवाइज अगर आउटपुट शाफ्ट घूम रही है तो डिफरेंशियल क्लॉकवाइज घूमेगा, जिसकी वजह से टायर क्लॉकवाइज घूमेंगे। जब वो टायर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन जब हम रिवर्स करते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं टायर। ठीक है, लेकिन इंजन जो है वो अभी भी क्लॉकवाइज ही चल रहा है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे तुम गाड़ी रिवर्स कर रहे हो तो इंजन उल्टा घूमेगा, नहीं, इंजन सीधा ही चल रहा है, वो क्लॉकवाइज ही चलता है। इंजन कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं आएगा, वो क्लॉकवाइज ही चलेगा। तो इसको वापस रिवर्स में लाने के लिए एक थर्ड गियर और लगाया जाता है रिवर्स में, ये ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अब ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये वाला गियर जो चलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो आउटपुट शाफ्ट क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर आउटपुट शाफ्ट क्लॉकवाइज घूमेगी तो डिफरेंशियल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जिसकी वजह से गाड़ी रिवर्स आती है। ठीक है, तो रिवर्स में कितने गियर हो गए, तीन, एक दो तीन, ठीक है, तीन गियर हो गए रिवर्स के। ये कभी भी इनपुट और आउटपुट शाफ्ट में रिवर्स गियर जो है वो कनेक्ट नहीं होते, गैप रहता है दोनों में। ठीक है, हमेशा गैप रहेगा, चिपक के, जैसे ये आउटपुट और ये फर्स्ट और सेकंड आपस में चिपके हुए हैं, सारे गियर आपस में चिपके हुए हैं, लेकिन इन दोनों में अंदर गैप है। गैप इसलिए दिया हुआ है कि अगर ये कनेक्ट हो जाएंगे तो ये भी क्लॉकवाइज ही घूमना शुरू कर देगा टायर, इसीलिए रिवर्स गियर अलग से लगाया जाता है। ठीक है, तो जब तुम रिवर्स लगाते हो तो ये ऐसे होगा, इस कंडीशन पे जब तुमने रिवर्स लगाया ये गियर ऊपर चढ़ जाएगा और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो अब सारे गियर जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन रिवर्स गियर घूम रहा है। जब रिवर्स लगाते हो तो सारे क्लॉकवाइज वाले जो गियर है वो न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज वाला गियर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी रिवर्स में आती है। क्लियर है ये चीज़? समझ में आ गया सबको? तो सर, जैसे कि गाड़ी में अगर हम आगे को चला रहे हैं तो ये रिवर्स वाला गियर वो ये फ्री 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 रहेगा, ये फ्री रहेगा, ये निकला हुआ रहेगा, इसके साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा। ये तब कनेक्ट होगा जब तुम रिवर्स लगाओगे, रिवर्स लगाओगे तो ये ऊपर आके ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो जो रिंग दिख रही है प्लास्टिक की,
जो पहले गाड़ी के अंदर स्पीड आती थी, गाड़ी की स्पीड पता लगती थी, किलोमीटर पता लगते थे कितने हैं, वो इस रिंग से पता लगता। इसके ऊपर एक व्हीकल स्पीड सेंसर लगता था, व्हीकल स्पीड सेंसर, व्हील स्पीड नहीं, व्हील स्पीड सेंसर ABS में आते, जो अब ज़्यादातर गाड़ियों में मिलेंगे, 90% गाड़ियों में ABS है, उन सब में मिलेगा। लेकिन पहले व्हीकल स्पीड सेंसर आते थे, तो जितनी स्पीड में डिफरेंशियल घूम रहा है उतनी ही स्पीड मैंने बताया किसकी है, टायर की। तो डिफरेंशियल को नाप लिया कितना तेज घूम रहा है, उसमें पता लग गया गाड़ी की स्पीड उतनी ही है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, समझ आ गया सबको कि इसमें गियर कैसे है, ये कैसा है और ये क्या है। ये जो शिफ्ट होती है, ये इनको बोलते हैं सिंक्रोनाइजर। ठीक है, ये गियर लॉकर हो गए और ये हो गया जो इसके अंदर येलो कलर की जो आपको रिंग दिखेगी, ये होगी तुम्हारी सिंक्रोनाइजर। क्लियर है ये चीज़, समझ आ गया सबको।